वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए वायर्ड ईयरफोन्स, जो कि आप 1000 रुपीज़ के अंडर में आप परचेस कर सकते हो और उससे कि कम प्राइस में भी आप परचेस कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, हमारा पहला प्रोडक्ट है सोनी EX14 AP, जिसकी प्राइस है 700 रुपीज़। आपको ये प्राइस रेंज में सोनी के ईयरबड्स या फिर कह लो आप हेडफोन्स आपको इस प्राइस रेंज में आपको मिल जाता है। लेकिन इसमें आपको सिर्फ ओनली 3 लेफ्ट दिखाया गया है, तो आप जल्दी से परचेस कर लेना। लेकिन इसमें आपको 2 कलर मिल जाते हैं, ब्लैक और ब्लू, तो आप दोनों में से कोई भी आप परचेस कर सकते हो। इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इसमें आपको एक जैक दिया जाता है, जिससे आप फोन उठा सकते हो और कट कर सकते हो और वॉल्यूम को आप अप डाउन कर सकते हो। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी सोनी की, जो कि आपको डिटेल्स में आपको मिल जाएगी। उससे आप अपने जो जैक है उसको आप चेंजेस कर सकते हो। आपको साउंड ट्रैक चेंज करना हो तो आप उधर से कर सकते हो, और वॉल्यूम अप डाउन करना हो तो आप उधर से ही आप एप्लीकेशन में से ही आप सब कुछ चेंज कर सकते हो और एडजस्ट कर सकते हो। इसमें आपको 9mm के ड्राइवर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, और सिलिकॉन के अगर ईयर्स के टिप्स है जो कि आपको कंफर्टेबल रहेंगे ईयर्स में। आपको अगर आप ईयर्स में ज़्यादा देर तक पहने रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 9mm के ड्राइवर्स है इसलिए आपको इसमें बैलेंस साउंड मिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो कि आप ब्रांड इसमें देख सकते हैं, सोनी ब्रांड है, तो इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है। 1 ईयर की वारंटी है, तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से मैं आपको ये रिकमेंड कर देता हूँ। तो चलिए गाइस, हमारी दूसरी ब्रांड है स्कल कैंडी, जिसकी प्राइस है 800 रुपीज़। इसमें आपको 3 कलर मिल जाता है, वाइट एंड ब्लैक कलर है, जो कि इसको वाइट ही बोला जाता है। ये ब्लू कलर है और ये कम्प्लीटली ब्लैक कलर है। 3 कलर है, स्कल कैंडी ब्रांड है, बहुत बढ़िया ब्रांड है। सोनी और स्कल कैंडी में उतना ज़्यादा साउंड का डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें आपको 10mm के ड्राइवर्स, स्पीकर ड्राइवर्स दिए गए हैं, जिससे कि साउंड की क्वालिटी और बेस क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाए। सोनी में और स्कल कैंडी में आपको उतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं देगा, लेकिन स्कल कैंडी बहुत बढ़िया है साउंड के हिसाब में, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसकी जो क्लियरिटी है वो सोनी के बराबर ही है, आप इसको भी परचेस कर सकते हो और सोनी को भी आप परचेस कर सकते हो। इसमें आपको 3 कलर दिए गए हैं, तो आप कोई भी आप चूज करके आपको आप ले सकते हैं। इसमें आपको एक जैक का भी ऑप्शन दिया गया है विथ माइक, आप इसमें ट्रैक भी चेंज कर सकते हो, सॉन्ग्स या फोन भी आप उठा सकते हो, कुछ भी आप इससे आप कर सकते हो। इसमें कोई आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें नॉइस कैंसलेशन लेके आइसोलेशन दिया गया है, जिससे कि आप लगाओगे ईयरबड्स को ईयर्स में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से पूरा का पूरा प्रेस दबाओगे तो ये फिट, एकदम से फिट आपको बैठ जाएगा। इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। आप डिज़ाइन देख सकते हो, स्कल कैंडी बहुत पुरानी ब्रांड है, लेकिन ब्रांड एकदम बढ़िया है, आप इसको भी आप परचेस कर सकते हो। मैं आपको सभी ब्रांडेड चीज़ें बताऊंगा, जिससे कि आप अच्छी चीज़ भी ले सकें और आपके प्राइस के बजट में भी आप ले सकें। उसी तरह मैं आपको सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए गाइस, हमारा थर्ड प्रोडक्ट है JBL। जैसे कि आप जानते हैं, JBL बेस के मामले में पंची बेस आपको JBL देगा। चलिए इसकी प्राइस की बात की जाए तो 750 रुपये, 749 रुपीज़ के ये ईयरबड्स है, जिसमें आपको 3 कलर प्रोवाइड कर देता है JBL, वाइट, रेड एंड ब्लैक। तो इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो आपको नॉर्मली सभी चीज़ें आपको दूसरे ईयरफोन्स के हिसाब से आप इसको आप में मिल जाता है। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाती है, जो कि आप गूगल असिस्टेंस इसमें आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप अपने जैक को लॉन्ग प्रेस रखते हो तो इसमें आपको गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा। फिर वही सभी बात है, आप फ़ोन रिजेक्ट और रिसीव कर सकते हो। आपके सॉन्ग के ट्रैक को आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड कर सकते हो, प्ले पॉज कर सकते हो, वही सारी चीज़ें।
लेकिन JBL ब्रांड है, इसमें आपको बेस का पंच बहुत बढ़िया मिलेगा, सभी ईयरबड्स में आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन वायर्ड के हिसाब से बहुत बढ़िया है। ब्लूटूथ में थोड़ा सा आपको साउंड का आउटपुट कम मिल जाता है क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए वायर्ड ईयरफोन्स में आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है, डायरेक्ट आप फोन से कनेक्ट कर सकते हो वायर के थ्रू। तो इसमें आपको बेस और ट्रेबल में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। तो JBL है और सोनी है, स्कल कैंडी है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है साउंड के हिसाब से। तो आपको सारी की सारी लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर से आप वहाँ से आप चेकआउट करके आप परचेस कर सकते हो। तो चलिए गाइस, हमारा फोर्थ प्रोडक्ट है बोट बास हेड्स 242। ये बहुत वेल नोन ब्रांड और ईयरफोन है जिससे आप परचेस कर सकते हो। इसकी प्राइस है सिर्फ 600 रुपीज़। इसमें आपको कम रेंज में भी, आपको इससे कम प्राइस में भी आपको ईयरफोन्स मिल जाते हैं, जो कि 300 रुपीज़ में है, 250 रुपीज़ में भी है। तो आपको कई सारे रेंजेस में आपको इस ब्रांड के ईयरफोन्स आपको मिल जाते हैं। बोट ब्रांड है, बहुत वेल नोन ब्रांड है। मैं इसके ईयरबड्स जो अभी यूज़ कर रहा हूँ मैं, जो कि 1500 रुपये के आसपास मुझे मिले थे, बहुत बढ़िया बेस क्वालिटी है और बैलेंस्ड साउंड है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसमें आपको कई सारे कलर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड और लाइट ग्रीन कलर। इसमें आपको 10 mm के ड्राइवर मिल जाता है, साथ में आपको जो वायर की आप जो क्वालिटी आप देख रहे हो, आप देख सकते हो वायर की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया दी गई है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। इस प्राइस रेंज में आपको सोनी भी उतनी अच्छी वायर की क्वालिटी आपको नहीं दे पा रहा है, जिसमें आपको 600 रुपीज़ में आपको ये प्राइस में आपको अच्छी क्वालिटी का वायर भी मिल जाता है, जिससे कि आपको टूटने का डर नहीं रहता है। सबसे ज़्यादा टूटने का डर आपको जैक के आसपास से जो वायर है वो ही सबसे ज़्यादा टूटने का डर रहता है। अगर जैक के अंदर से आपको वायर टूट जाता है तो फिर आपको वो पूरा जैक खोल के आपको इसमें काम करना पड़ेगा। फिर आती है बात, इसमें आपको सीरी और गूगल असिस्टेंट दोनों दिया गया है, जिससे कि आप अपने जैक से आप कंट्रोल कर सकते हो, सारे कंट्रोल्स आप जैक में कर सकते हो। वॉल्यूम अप डाउन, ट्रैक का आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हो, IPX4 का आपको वाटर रेसिस्टेंस आपको दिया गया है, वो मोस्ट ऑफ द ईयरफोन्स में आपको दिया ही जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से आप थोड़े बहुत, अगर बारिश थोड़ी बहुत आ रही है, लाइट वाटर ड्रॉप्स आ रहे हैं, तो इसमें आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ज़्यादा हो, अगर वो जैक में चला जाता है तो दिक्कत होती है। चलिए गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना, और थैंक यू वेरी मच।